जो इनकी बाइंग प्राइस उससे नीचे आ गया। प्रकाश जी क्या लगता है, मिस्टर जैन को इसमें अभी और ऐड करना चाहिए क्या? 120 के भाव पर खरीदा था इन्होंने गति को। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐड नहीं करना चाहिए कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और अब चार्ट तो वीक में भी साइडवेज जोन है तो वीकिश बायस है। ऐड तब करना चाहिए जब इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। अब तक तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनको अगर होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 54 का और होल्ड कीजिए, लेकिन ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है जैन साहब, ऐड मत कीजिएगा। 54 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड जरूर कर सकते हैं पर ऐड मत कीजिएगा गति को। ठीक है, 178 पर खरीदा। अच्छा, पिछले महीने ही आपने खरीदा है राजू। ओके, टाटा मोटर्स क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रकाश जी? टाटा मोटर्स में निकल जाना चाहिए कॉस्ट के आसपास और सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए, वो होना चाहिए 161 का। होल्ड कीजिए, अगर 161 ब्रेक तो निकल जाइएगा या तो फिर कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आते। ठीक है, तो बिग नो कि आप ऐड तो बिल्कुल ही ना करें। आप ये भी पूछ रहे थे 161 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड जरूर कर सकते हैं, अपने बाइंग प्राइस के पास आप निकलने की कोशिश करें। पुणे से जुड़ रहे हैं प्रमोद अब मेरे साथ। नमस्ते प्रमोद जी, बताइए कैसे मदद की जाए आपकी, कौन सा शेयर है आपके पास? ठीक है, तो प्रमोद जी पूछ रहे हैं प्रकाश जी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज क्या लॉन्ग टर्म रखने वाला शेयर आपको लगता है? 246 की बाइंग है इनकी। चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है लेकिन लोअर लेवल से जो सपोर्ट मिले शायद ये संभल जाए यहाँ पर। अगर संभल जाता है तो यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर ठीक है, इनकी कॉस्ट मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 170 का। अगर 170 ब्रेक हो जाता है तो और फिर एक फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग आ सकती है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 170 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। 170 का स्टॉप लॉस और होल्ड की सलाह स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में। और ये हमारे साथ सदा आपका, मैं प्रकाश जी के साथ साथ मैं भी लूंगी इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। इस ब्रेक के बाद